गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी मॉर्निंग के 6 बजे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस में। आज तो ज़्यादा निकला पहले कि सुबह में बहुत ज़्यादा ही रश हो रहा है आजकल। अभी अंचल तो घाटेगा नहीं है। मैं 1 घंटा या आधा घंटा लेट से निकलूँगा ना, मुझे 2 घंटा ज़्यादा पड़ जाएगा। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाया था। ये वही पार्क है, हालांकि ऑफिशियली क्लोज है। वेस्टर्न हाईवे पहुंचने वाले हैं। देखिए 1 घंटा लगता है अंदर पहुंचने में। रोड तो खाली एकदम है, 2-3 जगह पे है और बंदा को और ऑटो फिर ना काफ़ी शूट लगता है जाएगा। उम्मीद तो ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा नहीं अभी। उसे जैकेट पहन लेना चाहिए था, ठंडी लग रही बहुत ज़्यादा। चल भाई अब लो, मैं आ गया वेस्टर्न एक्सप्रेस पे। ये सूरत जो है ना लेफ्ट की तरफ जाती है, ये जो हाईवे जो है सूरत के लिए जाती है, और राइट में लोगे तो अब जाओगे मुंबई के। Shut up and sit down. गाड़ी का भी 3rd सर्विस करवाया है, इसकी भी ज़्यादा पकड़ रहा है। 2nd सर्विस जो 60 ऊपर में जो था ना पूरा वाइब्रेशन आ रहा था, लेकिन अभी 80 पे भी जा रहा है, दिखा रहा हूँ मैं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हमारे आगे हैं वैसे ग्रीक ब्रिज, इसको पार करना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि अभी नहीं होगा ट्रैफिक ज़्यादा, इसलिए क्या है कि नया वाला पुल काम चल रहा है ना, एक बार जब हो जाएगा ना सही से तो कोई इशू नहीं है। ये देख रहे हो ना ब्रिज ऑलमोस्ट, इधर का पालिंग तो हो गया, बाहर का बीच का जो है ना पानी वाला काम अभी बाकी है, भैया कर रहा है। 3 साल तो लग ही जाएंगे कम से कम। तो वो ये देख रहा हूँ ना सामने से मेन ट्रैफिक, भयंकर ट्रैफिक होता है। आपको कासिमगंज से लेके जो ना रिंग के आना पड़ता है यहाँ पे। इसे कवर करने में मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर भी नहीं होगा, इसको कवर करने में आपको लग जाएगा आपको 1 घंटा से ऊपर। दिखाता हूँ मैं आपको नीचे चालू है काम, देखिए सूरज भी हो गया है। चौकी है ना वहाँ पे पहुँच गए, अभी यहाँ से घोरबंदर के लिए जाते हैं लेफ्ट आगे, अगर से राइट लोगे ना पुल के नीचे से तो घोरबंदर के लिए। एक होटल यहाँ पे है, होटल फाउंटेन, काफ़ी मैंने फेमस है। अभी हम लोग 8:30 बजे जो है ना ये सामने जो मुझे देख रहा ना पब्लिक लोग खड़ी है ना वहाँ से लेते थे लेफ्ट आते थे हम लोग, लेकिन क्या है कि पूरा बैरिकेशन कर दिया, उसके लिए तो पूरा घूम के आना पड़ता है। Mm.
जब डिलीवर में आया था ना उस टाइम पे दिया हुआ था ना, तो ज़्यादा ट्रैफिक का इशू हो रहा था ना यहाँ पे। ये लोग कर तो रहे हैं मेट्रो का काम, काफ़ी जोर शोर से चल रहा है, लेकिन बहुत लेट कर दिया ये लोगों ने। हम लोग आ गए हैं सिग्नल पे काशी मेरा फ्लाईओवर के पास। ये तो सबसे खतरनाक जगह है ट्रैफिक के लिए, इतना भयंकर ट्रैफिक होता है ना, पूछिए मत। वो जो फुटपाथ दिख रहा है ना उससे उससे चढ़ के जाना पड़ता है। तो मेरी गाड़ी है थोड़ा भारी, इसमें भी मैंने गाड़ जो लगाते बहुत हैवी फैला हुआ है, इसलिए थोड़ा सावधानी से निकालना पड़ता है। चलो मिल गया एक्सेस। मेरा रोड 4 किलोमीटर, सिल्वर 23 किलोमीटर और मुंबई 49 किलोमीटर। लेकिन मुझे जाना है अंधेरी के लिए, ये कश्मीरा फ्लाई ओवर। पहली बार जब मैं मोबाइल सॉरी बाइक का डिलीवरी लेके आ रहा था ना, ये पुल क्रॉस करने में मुझे लगा था 1.5 घंटा। मुश्किल से कितना होगा, 300 मीटर 400 मीटर का होगा पुल। ट्रैफिक ज़्यादा तो नहीं है आज, लेकिन ज़्यादा तो मैं आधे घंटे पहले और निकलता। कल कोई बात नहीं, शुक्रवार को यहीं पर मेरे को मेट्रो काम चालू है ना, बन जाएगा तो काफ़ी सुविधा होगा, खासकर मीरा रोड से जो आने वाले हैं उसमें काफ़ी विकल्प रहेगा हम लोग आने के लिए। अभी अंधेरे आने के लिए अभी तो बस तो है, लेकिन बहुत ही लेंदी प्रक्रिया, अभी लोकल ट्रेन में अलाउड नहीं है। अभी मेट्रो बन जाएगा तो काफ़ी ईजी रहेगा, हल्का ट्रैफिक मिला था, 5 मिनट का समय गया मेरा। Shut up and sit down. भरू जाना है तो आगे सबसे लेफ्ट लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आने को ना होके मैं जाऊँगा डायरेक्ट अंधेरी से। पहले देखो अब 6 किलोमीटर करेंगे रिंग जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे कभी कोई बात नहीं, 20 मिनट काफ़ी पहुँचने के लिए। We'll be right back.
Shut up and sit down.